फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण, और इसमें आज हम कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर शब्द है और उसके पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो देखिए, पहला जो शब्द है वो है आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं कि नेत्र, नयन, लोचन। दूसरा है आग। आग के पर्यायवाची शब्द है अग्नि, पावक, अनल। तीसरा है आदमी। आदमी के पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, नर, पुरुष। चौथा है औरत, उसका पर्यायवाची शब्द है स्त्री, नारी, महिला। आगे किनारा। किनारा के शब्द है तट, तीर, कुल। नेक्स्ट गुरु, उसके पर्यायवाची शब्द आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। उसके बाद है चांद, उसका पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शशि, राकेश। आगे है घर। घर के पर्यायवाची शब्द है गृह, आलय, भवन। उसके आगे है जगत। जगत का पर्यायवाची शब्द है संसार, विश्व, दुनिया। आगे है धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, जमीन, भूमि। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है पंछी, खग, विहग। आगे है पानी। पानी का है जल, नीर, सलिल। आगे है पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। बादल, मेघ, जलधर, जलद। बेटा, बेटा का है पुत्र, सूत, लड़का। उसके बाद आगे है बेटी। बेटी के पर्यायवाची शब्द है पुत्री, सुता, लड़की। नेक्स्ट है माँ, उसका है माता, अम्बा, जननी। राजा, राजा के नृप, नरेश, भूप। आगे रात, रात के पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा, रजनी। आगे है वृक्ष, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है पेड़, विटप, तरु। आगे है सांप, सांप के पर्यायवाची शब्द है सर्प, नाग, भुजंग। इसके आगे है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, दिनकर, दिवाकर। इसके बाद आगे है हवा। हवा के पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु, समीर। हाथी, हाथी के पर्यायवाची शब्द है गज, हस्ती, कुंजर। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 25 मतलब 25 यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देखे हैं। यहाँ पर शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो बच्चों, आप लोगों की वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।